स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कोई वर्क करने के लिए काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते इसका बजट बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज अदर स्टूडेंट वीज़ाज जो अलग अलग यूके कैनाडा यू एस ए या ऑस्ट्रेलिया इसके साथ कंपेयर करें तो इसका बजट बहुत लो है तो माल्टा के वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो सारे वर्ल्ड में काफ़ी वैल्यू मानी जाती है तो इस पर हम एक ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा अगर आपके पास शैनिगन वीज़ा है तो काफ़ी कंट्रीज़ आपको इजीली वीज़ा दे देती हैं माल्टा का स्टडी वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है कोई एक अगर मैं कि बहुत टफ जॉब है ऐसा नहीं है एलिजिबिलिटी की बात करूँ एलिजिबिलिटी अगर आपकी प्लस टू हो चार से पाँच से सात साल तक का गैप है फोर्टी फाइव फिफ्टी परसेंट अगर आपके मार्क्स हैं अगर चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे आप प्लस टू हो तो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए चाहे आपने आर्ट्स करी है या नहीं करी आपने अगर इंटरव्यू अपनी प्रेपरेशन कर ली ठीक है तो आपको वीज़ा मतलब हासिल करने में कोई रोक नहीं पाएगा नमस्कार दोस्तों मैं मनदीप सिंह औलख आज ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ वैसे नॉर्मली हम पंजाबी में बनाते हैं बट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कॉमन लैंग्वेज में वीडियो बनाओ और इवन की हमें हमारे आई नंबर पे कॉल्स भी आई जिसमें उन्होंने बोला कि प्लीज सर या तो हिंदी में वीडियो बनाओ या फिर हमारी स्टेट लैंग्वेज में तो अभी जैसे कि हमारी वीडियो अलग अलग स्टेट्स में चल रही है तो हमने सोचा कि चलो आज हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो आज मैं बात कर रहा हूँ माल्टा स्टडी वीजा की तो शुरू से शुरू करते हैं वैसे तो हम माल्टा के ऊपर काफ़ी वीडियोज बना चुके हैं माल्टा के अ, वहाँ पे वर्क राइट्स पे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे वहाँ के लिविंग लाइफ पे मतलब हर चीज पे हम वीडियो बना चुके हैं इवन की मार्टा के जो कमेंट्स है हम उन पे भी सभी रिप्लाई कर चुके हैं बट वो सारी की सारी वीडियो पंजाबी में थी तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माल्टा का स्टडी वीजा का मतलब क्या स्नेरियो है और क्या प्रोसेस है और आप कैसे अपना मार्टा का स्टडी वीजा बना सकते हो ले सकते हो सॉरी तो मैं फर्स्ट स्टेप से शुरू करता हूँ माल्टा जैसे कि बहुत अच्छी और बहुत क्राइम uh, फ्री और बहुत एक uh, प्यारी सी कंट्री है जिसमें आप uh, देखोगे कि इस कंट्री uh, में uh, आपको ना नाइट लाइफ जो बड़ी इसकी फेमस है और जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कोई वर्क uh, uh, करने के लिए काम करने के लिए कोई तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते और इसका सबसे बड़ी बात जो है वो इसका बजट बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें एज कंपेर टू अदर कंट्रीज अदर स्टूडेंट वीज़ाज जो अलग अलग यूके कैनेडा यूएस ए या ऑस्ट्रेलिया इसके साथ कंपेयर करें तो इसका बजट बहुत लो है और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि माल्टा कहाँ पे है या माल्टा का क्या बेनिफिट है माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है या शैनिगन कंट्री है ये एक शैनेगन कंट्री है इस वीज़ा की अगर माल्टा के वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो सारे वर्ल्ड में काफी वैल्यू मानी जाती है तो इस पे हम एक ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा अगर आपके पास शैनिगन वीजा है तो काफी कंट्रीज आपको इजीली वीजा दे देती हैं हाँ माल्टा का वीजा अगर आपके पास है तो आप और जो शैनिगन कंट्री हैं अब पहले 26 थी अभी 27 हो गई है तो अदर 26 कंट्री में विदाउट वीजा आप ट्रैवल कर सकते हो इसका फर्स्ट स्टेप माल्टा स्टूडेंट वीजा लेने का क्या है आपको सबसे पहले ऑफर लेटर अप्लाई करनी पड़ेगी जैसे ही आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तो अभी जो राइट नाउ अगर की बात हैं पहले इंटरव्यू लेते हैं कुछ कुछ कॉलेज बाद में इंटरव्यू लेते हैं आपको ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए भी इंटरव्यू देनी पड़ सकती है और जिसकी एप्लीकेशन फीस या एल चार्जेस होते हैं उसके बाद आपने अपनी फाइल जो है अपने एजेंट्स को या अपने कंसल्टेंट को बोल के ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फाइल लगा सकते हो पहले माल्टा में क्या था कि आपका जो पासपोर्ट है वो माल्टा जाता था अगर आप ऑनलाइन फाइल लगाते हो मतलब सीबी यू डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आप फाइल लगाते हो तो पासपोर्ट जाता था माल्टा इंडिया से माल्टा पासपोर्ट भेजना अगर मैं सीधी सीधी बात करूं ये लीगल प्रोसेस नहीं है तो एजेंट्स को तो वाया नेपाल वाया बांग्लादेश या वाया कोई और कंट्री के है ना पासपोर्ट माल्टा भेजना पड़ता था अगर आप माल्टिश की बात करें अगर जो उनके लोग हैं वहाँ पे उनको बोलते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है वीजा ऑफिसर वो सीधा सीधा उनका एक रिप्लाई है कि आप हमें नहीं पता हमारे पास तो पासपोर्ट पहुंच रहे हैं ये आप देखो या वो सीधा सीधा मेल में ये लिख के भेज रहे हैं एक वीजा ऑफिसर मेल में सी का एक डिपार्टमेंट का एक बंदा मेल में ये लिख के भेज रहा है आप पैकेट के अंदर पासपोर्ट को डाल के कोरियर कर दो तो उसमें कभी भी पासपोर्ट कहीं भी मतलब पकड़ा जा सकता है उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है या उसमें आपका पासपोर्ट जो है कहीं रिस्क में भी जा सकता है तो अभी इसका जो सही सोल्यूशन निकल गया वो ये निकल गया कि आज आप अपनी फाइल अपने जो नजदीकी नियरेस्ट जो आपका वी एफ एस सेंटर है उसमें सबमिट कर सकते हो वहीं जैसे ही आपने बायोमेट्रिक के लेनी है तो उसी टाइम आपका पासपोर्ट भी वहीं सबमिट हो जाएगा और आपकी जो फाइल है वो माल्टा माल्टाट को फॉरवर्ड हो जाएगी और ऑनलाइन इंटरव्यू हो इंटरव्यू होगी फिजिकल भी बंद हो है। तो उसके बाद आपका वीजा ग्रांट होगा या रिफ्यूजल होगी वो डिपेंड करता है है कि आपने इंटरव्यू कैसे दी है, अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी है उसके बाद आपको पासपोर्ट बाय कोरियर आपके घर के एड्रेस पे मिल जाएगा अब मैं बात करूं कि हम कौन बंदा कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है या मैं बात करूं कि कौन स्टूडेंट इजीली वीजा ले सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल माल्टा का स्टडी वीजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है कोई एक, आ, अगर मैं कहूँ टफ जॉब है ऐसा नहीं है अगर आप सन्सियर हो एलिजिबिलिटी की बात करूं एलिजिबिलिटी अगर आपके प्लस टू हो चार से पांच से सात साल तक का गैप है फोर्टी फाइव फिफ्टी परसेंट अगर आपके मार्क्स हैं अगर चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे आप प्लस टू हो तो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए चाहे आपने एल्स करी है या नहीं करें या फिर आप यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएसए या किसी कंट्री से भी रिफ्यूज हैं तो इसमें कोई इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंट्री से रिफ्यूज हैं या आपका आप विद आयल्स हो विद्सो वो कोई इसमें कोई मैटर नहीं करता आपको एडमिशन ईजीली मिल जाएगी फिर बात आएगी आपकी जैसे ही इंटरव्यू आती है इंटरव्यू आपकी अभी फिजिकल का शायद सिनेरियो ख़त्म हो चुका है जो आने वाला टाइम मुझे ऐसे ही लग रहा है उसमें इंटरव्यू में आपने अपनी पूरी प्रेपरेशन करनी है अपनी पूरी तैयारी करनी है आपने प्रीवियस स्टडी क्या थी आपकी और जो आपका गैप है अगर वो गैप में क्या है है ना गैप किस चीज का गैप है तो उसको जस्टिफाई जस्टिफाई करना है आपने फिर उसके बाद आपके जो फंड्स हैं जो लिविंग एक्सपेंस वो सबसे बड़ी बात इसमें लिविंग एक्सपेंस की है जो आप इसमें तेरह से पंद्रह लाख के फंड शो करने पड़ते हैं आप अपने पेरेंट्स से भी करवा सकते हो किसी थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हो जैसे कोई आपके रिलेटिव हैं जो फर्स्ट कजन ना हो उनसे भी आप करवा सकते हो उनको भी तैयारी तो में, में आप जा रहे हो आपकी स्टडी रेलिवेंट है या नहीं है ये भी एक मैटर करता है उसके बारे में आपके आपको पूरा पता होना चाहिए कोर्स कंटेंट क्या है जिस स्टडी में आपने एडमिशन ली है उसका आपको पूरा पता होना चाहिए और इवन की आपको माल्टा के बारे में पता होना चाहिए माल्टा कैसी कंट्री है इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी आ, आ, मतलब वहाँ पे लोग बोलते हैं वैसे नॉर्मली मैक्सिमम लोग वहाँ पे इंग्लिश ही बोलते हैं ये माल्टा एक ऐसी कंट्री है जिसमें मैक्सिमम इंग्लिश बोली जाती है माल्टिश बोली जाती है वो जो वहाँ के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा बहुत बोलते हैं वो भी सारे माल्टिश नहीं बोलते और इसमें ये आपने अगर इंटरव्यू अपनी प्रेपरेशन कर ली ठीक है तो आपको वीजा मतलब हासिल करने में कोई रोक नहीं पाएगा इसमें वीजा जरूर आपको मिल जाएगा बट फिर डिपेंड ऑन आपकी इंटरव्यू प्रेपरेशन उसमें आप याद रखना अगर आप अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन पूरी करते हो तो वीजा आपको डेफिनेटली ग्रांट होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो इस इंटरव्यू को बड़ी लाइटली ले लेते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते कि ये इंटरव्यू है कोई बात नहीं माल्टा ही तो है इसमें कौन सी बड़ी बात है नहीं माल्टा इतना इजी सभी को वीज़ा नहीं देता ये एक शैनिगन कंट्री है इसमें वीज़ा लेने के लिए भी आपको एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी ये ऐसा नहीं है कि आपको आपने डॉक्यूमेंट्स दिए और डॉक्यूमेंट्स के बिहाब पे आपको इंटरव्यू के बिना वीजा मिल जाएगा नहीं इसमें इंटरव्यू देनी पड़ेगी और वीज़ा हासिल करने के लिए दोस्तों आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी देखो अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो सैक्रीफाइस ये है कि आपको सारे काम छोड़ के अपना सारे का सारा कॉन्सेंट्रेशन अपनी इंटरव्यू के ऊपर लगाना है फिर आप जिस इंटरव्यू में जाओगे तो वो इंटरव्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ की लास्ट इंटरव्यू है मतलब उसमें इतना जोश होना चाहिए आपके इंटरव्यू में कि आपको लगे कि मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूं और मैं पूरा सक्षम हूं इस इंटरव्यू के लिए तो फिर दोस्तों ये मेरा प्रॉमिस है कि आप वीजा डेफिनेटली हासिल करोगे तो ये है सारा माल्टा का एक प्रोसेस जिसको मैंने बड़ा एक शॉर्ट करके आपको बताया डेफिनेटली इसमें वीजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है लोगों ने अगर मैं खासकर पंजाब की बात करूं पहले तो सोचते हैं कि यार वीजा माल्टा का ये तो ऐसे ही मिल जाएगा जब रिफ्यूजल आती है तो फिर बोलते हैं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था बट बाद में रियलाइज करते हैं कि सेकेंड टाइम मैं अपनी तैयारी के साथ जाऊंगा ठीक है दोस्तों थैंक यू थैंक यू सो मच